पोहरी आरुंभा के चर्च क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम टुकी में 20 आदिवासी परिवारों को पिछले 2 माह से राशन नहीं मिला है। इसकी शिकायत को लेकर स्थानीय ग्रामीण एसडीएम कार्यालय में फरियाद लेकर पहुंचे और एसडीएम राजन बी नारिया को आवेदन सौंपकर राशन दिलवाने की मांग की है। बता दें कि पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया कि उन्हें नवम्बर और दिसम्बर माह का खाद्यान्न नहीं मिला, जबकि खाद्यान्न मिलने से पहले उनके अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। वहीं संचालक के द्वारा कभी भी पूर्ण राशन नहीं दिया जाता, जिसके चलते एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस गंभीर मामले पर एसडीएम राजन बी नारिया ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर जांच कराई जाएगी, अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी परिवारों को जिस माह का राशन नहीं मिला है उस माह का राशन दिलवाया जाएगा। गाँव का नाम, आप जो एसडीएम साहब के पास आए हैं सब लोग, क्या कारण है? मैं राशन नहीं मिल रहा है आपसे। क्या बोल रहे हैं? जाता है क्या? उन्होंने बताया कि नहीं आया। नहीं आया? कितने महीना का नहीं मिला? 2 महीना का मिला। 2 महीना से आप परेशान हैं? परेशान हैं। तो कितने लोग हैं आप पूरे? हमें 15-16-20 तक हूँ। 20 परिवार का नहीं मिल रहा आपको? नाम क्या है? कहाँ ग्राम? क्या कारण है आप जो यहाँ आई हैं एसडीएम साहब के पास? राशन पानी नहीं मिला। कब से नहीं मिला? 2 महीना। 2 महीना कौन कौन से? उस माह माने नवंबर दिसंबर, 2 माह का नहीं मिला। तो क्या बोल रहा है कंट्रोल वाला? ले तो ले लो, नहीं जाओ। एक महीना के दे। आप जब सब लोग आए एटीएम साहब के पास, क्या कंप्लेंट है, क्या शिकायत? कंप्लेंट है नवंबर दिसंबर का राशन नहीं मिला। नहीं मिला, क्या बोल रहा है? लेना है तो ले लो, नहीं चले जाओ, कहाँ शिकायत करना है? कौन बोल रहा था? ऐसा डीलर तो ग्राम टुकी में ही है दुकान? नहीं, सरकार तो कह रही घर घर राशन पहुंचाने की बात कर। तो तुम्हारा घर नहीं हुआ राशन पहुंचा? नहीं पहुंचा, लेने आते हैं तो अभी नहीं पहुंच रहा था। मदद ही नहीं मिला। अभी ये कुछ 5-6 लोग आए थे मेरे समक्ष में, ये डिटोली जो पंचायत है उसके अंदर पीडीएस की दुकान, वहाँ पर खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। तो चूँकि आवेदन अभी अभी आया हुआ है तो इसकी जांच करा देते फूड इंस्पेक्टर से, अगर जांच में दोषी पाया जाएगा तो निश्चित उस पर कार्रवाई की जाएगी और खाद्यान्न तो मिल जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा।